पाकिस्तान और पूरी दुनिया में आप सुन रहे हैं नई सुबह की जानिब से क्वालिटी टाइम। जी हाँ, हमारे शो का नाम है क्वालिटी टाइम। अब शायान सर के साथ कोई और आरजे करेंगे और मेरे साथ भी एक बहुत ही प्यारी आवाज मौजूद है जिनको मैं बहुत ही जल्द आप लोगों से मिलवाऊंगी थोड़ी ही देर में। तब तक आप लोग बताइए लिसनर्स के आप लोगों के क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों में खुश होंगे और अपनी मसरूफियात को भी बड़े अच्छे से जो है वो अपने कामों को अंजाम दे रहे होंगे। बहुत ज्यादा आप लोग मसरूफ भी होंगे, कुछ लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ होंगे तो कुछ लोग अपने एग्जाम्स दे रहे होंगे और कुछ लोग अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो घूमना फिरना एंजॉय कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ लोग अपने ऑफिस के कामों में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी होंगे। तो ये सब चीजें तो चलती रहती है, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है खुद को एंटरटेन करना और अपनी रिलैक्सेशन करना। तो इसके लिए हम लाए हैं क्वालिटी टाइम, यानी आप लोगों का थोड़ा सा वक्त हमें चाहिए होगा। आप लोगों के कीमती वक्त में से चाहे आप लोग हमें 5 मिनट दें, 10 मिनट दें, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना होगा। और उसके लिए सिंपल सा आपने करना ये है हमारे शो को सुनने के लिए कि आपने YouTube के सर्च बॉक्स में जाना है और वहाँ टाइप करना है NAISUPAH यानी नई सुबह, और उसके बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फिर आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट करना है, शेयर करना है। जब आप कमेंट करेंगे तो आपका फीडबैक जो है वो हम तक पहुंच जाएगा, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। और अब मैं अपनी प्यारी सी को आरजे को मिलवाती हूँ जिनका नाम है फायजा। तो अस्सलाम वालेकुम फायजा, क्या हाल चाल है। वालेकुम अस्सलाम, आई एम बिल्कुल फिट अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं अक्सा, कैसी हैं आप और मेरे तमाम लिसनर्स आप कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ मेरी आवाज पहुँच रही है तमाम लोग मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे और उसी की दी हुई नेमतों को, रहमतों को और इनायतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो लवली पीपल ऑफ द लवली कंट्रीज अराउंड द ग्लोब, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपकी न्यू आरजे फायजा मुगल। तो जनाब कैसे हैं आपके अहवाल, आमाल और ख्यालात, ये सब कुछ शामिल करेंगे आप हमारे साथ हमारे शो क्वालिटी टाइम में दो सुपर डुपर सी आरजेस के साथ। और लाइक, कमेंट और शेयर के जरिए अपनी पार्टिसिपेशन हमारे प्रोग्राम में जरूर कीजिएगा। जी तो जनाब, चलिए अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के लवली से कॉलमेंट की जाने, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके डेली रूटीन से थोड़ा सा टाइम चुरा के ब्यूटी टिप्स, पजल्स और टॉपिक्स भी, जो कि हम आपके डेली लाइफ से ही लेंगे और करेंगे उसमें कुछ खटी मिट्टी सी बातें, गॉसिप्स और सभी मिलकर बजाएंगे उसकी बैंड और एंड में एक मीठा सा कंक्लूजन आपके नाम करके जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अपने लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन के साथ ताकि फ्यूचर में आने वाला हमारा कोई भी प्रोग्राम आप मिस ना करें। तो जनाब सबसे पहले चलेंगे हम ब्यूटी टिप्स की जाने, क्योंकि आप लोगों को हुस्न तो चाहिए ना, और खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो ये शेयर करेंगी हमारे साथ अक्सा। क्यों अक्सा? तो आपने जैसे कि हमारे पहले सेगमेंट को अनाउंस कर ही लिया है, तो मैं उसकी जानिब बढ़ती हूँ और अपने शो को आगे बढ़ाती हूँ। तो बढ़ती हूँ अपनी पहली टिप की जानिब। मुद्दा दरअसल ये है कि अक्सर हमारे चेहरे पे एक्नी, स्कार्स और स्पॉट्स वगैरह होते हैं जिसकी हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है और हमें उसका हल नहीं मिलता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए दरअसल आपने करना ये है कि आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और उसको बादाम के तेल में मिक्स कर लेना है और उसे अपने चेहरे पर लगा लेना है। 2 से 3 दिन में आपके दाग और धब्बे और दाने खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा हमें दाग धब्बे और दानों को साफ करने के साथ साथ रंग भी साफ चाहिए होता है। तो जिस तरीके से हम चेहरे को साफ करने के लिए
ब्यूटी टिप्स इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से उन टिप्स के जरिए हमारा रंग भी साफ हो सकता है। उसके लिए भी हमें ये करना है कि हमने 1 टीस्पून दूध लेना है और उसमें 1 कतरा लीमू मिला लेना है और इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो जमा हुआ दूध है उसको अलग कर लेना है और जो लिक्विड है उसे अपने चेहरे पर लगा लेना है। उसके बाद हमारा रंग भी साफ होगा। इसके अलावा अगर हमें अपना चेहरा गुलाब की तरह चाहिए, खिलता हुआ दिखना चाहिए हमारा चेहरा, तो उसके लिए हमने ये करना है कि 1 टीस्पून गुलाब की पत्तियां और 1 टेबल स्पून दूध को अच्छे तरीके से मिक्स करके पीस लेना है और इसे भी अपने चेहरे पर लगा लेना है और इससे हमारा चेहरा गुलाब की तरह खिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन तमाम टिप्स को इस्तेमाल करते हुए हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जब हम अपना चेहरा धोने के लिए जाएंगे तो उसे साबुन से नहीं धोएंगे बल्कि पानी से धोएंगे। जी, अक्सा ने तो जबरदस्ती ब्यूटी टिप्स शेयर कर दी और रंग गोरा किसको नहीं चाहिए। वाकई ये रंग गोरा होना तो जबरदस्ती लुक आता है, फैशन का भी मजा तभी आता है। ओ जनाब, यहाँ मेरा ध्यान एक तरफ तो आया ही नहीं। ऐसा करते हैं हम यहाँ पर आपको एक और DIY भी शेयर कर देते हैं, आप भी क्या याद करेंगे किसी ने आपको कोई टिप दी थी। जनाब, कभी भी कहीं भी हमें जाना पड़ जाता है और हमारे पास टाइम नहीं होता शावर का, तो हमें बॉडी ऑर्डर बहुत परेशान करती है, तो इसके लिए हम एक झटपट सा DIY लेकर आए हैं आपके लिए। तो DIY ये है कि आप लोगों के घरों में वैसलीन तो अवेलेबल ही होती है, तो ऐसा किया करते हैं कि जब भी आपको कहीं सरप्राइजली जाना पड़ जाए, सडनली जाना पड़ जाए, तो आप लोग ऐसा करेंगे कि अपने स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी पे वो वैसलीन अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर लगाएंगे अपना बॉडी स्प्रे, फिर रहेगी वो एवर लास्टिंग, फिर आप भी क्या याद करेंगे जनाब। तो आप ये सारी टिप्स अप्लाई जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंतजार करूंगी मैं आपका अपने कमेंट सेक्शन में, तो भूलिएगा मत। हाँ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी 2 और सेगमेंट आपका वेट कर रहे हैं। जी, तो माय डियर ऑल लिसनर्स, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पजल सेगमेंट। जैसे कि बॉडी को एनर्जेटिक रहने के लिए होती है एक्सरसाइज की जरूरत, तभी हमारी बॉडी एवर लास्टिंग, एवर ग्रीन, एवर यंग रहती है। वैसे ही जनाब, हमारे माइंड को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में दिमाग का काम बहुत ज्यादा हो गया है और दिमाग थकने लग गया है। तो दिमाग की एक्सरसाइज होती है 2 तरीके से, एक होती है टंग ट्विस्टर के थ्रू और दूसरी होती है पजल्स के थ्रू। अब टंग ट्विस्टर तो मेरे यूट्यूब के लिसनर्स के लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने पजल सेगमेंट अरेंज किया है। वाओ, जबरदस्त पजल सेगमेंट। तो फायजा, मुझे ये बताइए कि आपने तरीकाकार तो इसका बता दिया है, लेकिन क्या हम इसे खेलेंगे या खेलना सिखाएंगे? जी जनाब, हम इसमें ना तो खेलेंगे और ना ही खेलना सिखाएंगे, हम अपने YouTube की फैमिली से इन तमाम के आंसर्स लेंगे ताकि चले उनका थोड़ा सा दिमाग। तो मेरे YouTube के तमाम लिसनर्स, हो जाइए बी रेडी हमारे पजल्स के लिए और आंसर भूलिएगा मत कमेंट सेक्शन में देंगे आप, ठीक है? तो हमारा पजल नंबर 1 है, बता दूं? Yes. बिल्कुल बताइए। अच्छा, अगर आपको जवाब आता हो तो आप भी कमेंट कर सकती हैं। और माय डियर ऑल लिसनर्स, ये आप सभी की ड्यूटी है कि कमेंट आप सभी करेंगे, जिन्हें शामिल करेंगे हम अपने अगले प्रोग्राम में। तो मेरा पजल नंबर 1 है, वो कौन सी चीज है कि जब बारिश आसमान से नीचे आती है तो वो ऊपर को जाती है? सोचिए सोचिए। अक्सा, एनी गेसेस? अभी तो मैं सोच रही हूँ, आप आगे चलिए। जी जनाब, मेरा सेकंड पजल है, वो कौन सी चीज है जिसे छत से फेंको तो नहीं मरती, लेकिन जैसे ही पानी में डालो तो मर जाती है? सोचिए सोचिए माई यूट्यूब फैमिली, इस पर तो आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो ही जाएगी। चलिए अब चलते हैं हमारी 3rd पजल की जान। ये पजल भी काफी इंटरेस्टिंग है,
सर काटो तो अमन बने, पाँव काटो तो प्याला। सर काटो तो अमन बने, पाँव काटो तो प्याला। अमीर खुसरो यू कह गए हैं, रंग है उसका काला। अक्सा एनी गेसेस? मैं आपको ऑफ ईयर बताऊंगी ताकि लिसनर्स जो हैं उनकी भी कमेंट्स हम तक मिल सके। मतलब आप हमारा सरप्राइज लीक नहीं करना चाह रही हैं? जी 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 बिल्कुल। अगर मैं ऑन ईयर बता दूंगी तो फिर तो लिसनर्स वही मेरी कॉपी कर लेंगे। ओ सही जनाब, आप सोचिए सोचिए और सोचते सोचते कीजिए अपने दिमाग की एक्सरसाइजेस, क्योंकि ये सेगमेंट ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने दिमाग को बहुत सारी सोशल मीडिया में लगा दिया है, जबकि हम चाहते हैं कि आप अपने दिमाग की एनर्जी को सही जगह पे वेस्ट करें। तो जी जनाब, मैं इंतजार करूंगी आपका अपने कमेंट सेक्शन में। भूलिएगा मत, जवाब मुझे चाहिए। और जो लोग जवाब दे पाएंगे उनको हम नॉमिनेट करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। जी तो जनाब, हमारा टॉपिक ही कुछ आज ऐसा है क्योंकि हमारा फर्स्ट शो है, इसी हिसाब से हमने अपना टॉपिक भी बिल्कुल लाइफ का फर्स्ट ट्राई ही रखा है। लाइफ का वो फेज जिसमें हम इस दुनिया में आते हैं, दुनिया भी हमारे लिए किसी कसौटी से कम नहीं होती। दुनिया में आते हुए भी रोते हैं और जाते हुए लोगों को रुला के जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है ना। लेकिन यहाँ हम डिस्कस ये नहीं कर रहे, हम आज डिस्कस करेंगे अपने बचपन को, क्योंकि ये वो जमाना है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। मैंने किसी से सुना था कि दुनिया में तीन चीजें अगर चली जाएं तो वापस कभी नहीं आती, और वो तीन चीजें कौन सी हैं? वो तीन चीजें हैं बचपन, जवानी और वालिदैन। बिल्कुल ऐसा ही, किसी शायर ने इसको किस तरीके से बयान किया है, किसी शायर ने किसी और तरीके से। किसी शायर ने कहा, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। किसी ने कहा, बचपन में भी हम कितने अमीर हुआ करते थे ना, हमारे भी जहाज पानियों में सफर करते थे। बचपन भी कितना अजीब होता है ना, ना कोई जरूरी होता है और ना कोई जरूरत होती है। और जैसे जैसे इंसान की जरूरियात बढ़ती जाती हैं, इंसान की जरूरी चीजें उसके लिए अहमियत रखती जाती हैं और रिश्ते दूर होते जाते हैं। चलिए अब हम अक्सा को भी टाइम देते हैं कि वो बचपन में कुछ रोशनी डाले। क्यों अक्सा? जी फायजा, तो ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और आज बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने बचपन में आ गई हूँ। और बिल्कुल ये बचपन जो है ना, ये जब एक बार चला जाता है ना तो वापस नहीं आता, फिर ये हमारे लिए याद बन के रह जाता है। और ये इतना नादान होता है, इतना अनजान होता है कि हम कोई भी शरारत करते हैं, कोई भी हम हरकत करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जब बाद में याद आती है, हम कहते हैं ऐसे भी थे, हम यूं भी करते थे, हम यूं भी थे। तो एक मासूमियत जब इंसान के चेहरे पर होती है या इंसान की वो जो एक्टिविटीज वहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि जब उसका जब बचपन होता है ना तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा होता है, और वो अपने वालदैन से सीख रहा होता है, अपने बड़ों से सीख रहा होता है, उसके दोस्त बनते हैं नए नए, कोई बच्चा होता है तो वो हर चीज़ को जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। फिर इस तरीके से जैसे मेरा भतीजा है, तो वो अब बच्चों के अंदर तो हम अपने बचपन को ही तलाश करते हैं ना, तो जब मैं उसको देख रही होती तो किस तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ यार शायद मैं भी ऐसी हुआ करती थी, या कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि जो एक से लेके चार साल की उम्र तक की जो हमारी उम्र होती है उसकी बातें तो हमें याद नहीं रह सकती, लेकिन हाँ उसे जब थोड़ा सा हम सारे चीज़ों को याद करने, चीज़ों को जब समझना शुरू कर लेते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें फिर याद भी रह जाती हैं, अपनी शरारतें कुछ हमारी ऐसी होती हैं, क्योंकि हमारा जो है वो कॉन्शियस माइंड भी बहुत ज़्यादा काम करने लग जाता है फिर जब 5-6 साल के होते हैं, 7 साल के होते हैं। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बचपन में जो है ना वो हमारी ग्रोथ होती रहती है, तो और इसके साथ हमारी डेवलपमेंट भी होती है, तो ये तमाम चीज़ें बहुत हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और बचपन जैसा मैं नहीं समझती कि कोई ज़िंदगी का सुनहरा
वक्त होगा, तो चलते हैं अपनी शरारतों की तरफ कि भाई बचपन में क्या क्या शरारतें हुई थी। तो मैं अपनी शरारतें बताती चलती हूँ कि मुझे ना असल में मम्मा जो है ना कोई भी काम नहीं करने देती थी। मुझे कहती थी कि तुमने झाड़ू को हाथ नहीं लगाना, तुमने पोछे को हाथ नहीं लगाना, तुमने बर्तन को हाथ नहीं लगाना, तुम अभी छोटी, तुम क्यों काम करना चाहती हो, अभी आपकी खेलने की उम्र है। और मैं जो है, मेरे पास किचन सेट होता था तो मैं उसमें सीखती थी कि भाई बर्तन कैसे धुलते हैं। फिर अपनी मम्मा को देखती थी, क्योंकि बच्चा अपने बड़ों को देख कर ही आगे बढ़ रहा होता है, तो मैं जो है ना अपनी मम्मा को देखती थी कि भाई वो जो है ना झाड़ू लगा रहे, तो मुझे भी शौक होता था कि मैं भी झाड़ू लगाऊं। और कभी कभी जो है वो मुझे ये होता था कि जो है ना जैसे मम्मा कोई लिक्विड वाला काम करी, चीजें इधर से उधर डाल रही हैं, पानी कहीं डाल रही हैं या जो है वो साबुन डाल रही है, कपड़े धो रही है, तो मुझे काम करने का बहुत ज्यादा बचपन में शौक था। मैं भी अभी जो मेरी मम्मा कर रही थी मैं कहती मैं भी ये काम करूँ, और मैं बहुत ज्यादा काम खराब भी कर रही थी। कभी उनका सर्फ गिरा दिया, कभी उनके बर्तन गिरा दी, कभी उनके जो है वो, लेकिन ये है बचपन से लेके अब तक मुझसे कांच, मेरी ख्वाहिश है कि मुझसे कांच टूटे। हालांकि मेरी दोस्त कहती थी क्या तुम्हारी एक ऐसी ख्वाहिश है कि तुम कांच तोड़ना चाहती हो क्या, मतलब मैंने कहा यार आज तक मुझसे कभी कांच नहीं टूटा, हालांकि मैं बर्तन भी धोती हूँ, अभी भी धोती हूँ, लेकिन अभी तक मुझसे कोई कांच नहीं टूटा। तो मेरी ये ख्वाहिश है, लिसनर्स आप लोग भी सुन के बोलेंगे क्या हो गया इनको। तो इस तरीके से मैंने बर्तन बहुत गिराए, कप भी गिराए, लेकिन उनका जो है ना कांच कभी इस तरह नहीं टूटा। फिर इस तरीके से गिलास भी, कुछ कांच गिरता ही नहीं था तो टूटेगा कैसे, कभी जैसे कप गिरता भी था तो वो मतलब इतना आहिस्ते से गिरता था कि वो बच जाता था, उसमें बचने की फिर भी गुंजाइश थी कि वो उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है वो जब भी मुझे कुछ खाना होता था तो मैं मम्मा से जो है वो बनवा लेती थी, खा लेती थी। जिद भी जो है ना बहुत ज़्यादा होती थी। और इसके अलावा कहीं जाना है तो मुझे मम्मा कभी लेके जाती थी, कभी नहीं लेके जाती थी। होता है ना बच्चे जब बड़े हो रहे होते तो उनको नहीं लेके जाया जाता, मैं बहुत रोती थी यार क्यों क्यों क्यों। इस तरीके से फिर जो है वो हम लोगों ने, ज़ाहिर होता है कभी किसी की चीज़ छीन लेना स्कूल में, मैं कभी कभी किसी की चीज़ छीन लेती थी, कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाती थी। और इसके अलावा जो है वो कभी किसी की चीज़ चुरा लेना, और ये सारी चीज़ें बहुत, इन चीज़ों को याद करके किसी का बैग जो है वो छुपा लेना और फिर उसको बाद में तंग करना कि तुम्हारा बैग मेरे पास नहीं है। और ये तो किसी की कुर्सी जब वो बैठ रहा है तो वो खींच लेना कि वो बेचारा नीचे गिर जाए, इतनी हरकतें। इसके साथ तो अक्सर नहीं, इसके साथ तो मेरी भी बड़ी जबरदस्त मेमोरी जुड़ी हुई है। मैंने तो मतलब अपने सीनियर्स के साथ भी इस तरीके के मजाक किए हैं, और बड़ा जबरदस्त टाइम होता है बचपन का, क्योंकि तब हमें टीचर्स भी इतना कुछ नहीं कह रही होती हैं। और काम करने का जैसे शौक आपने बताया, वैसे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी, हमारी सभी जो ईस्टर्न लड़कियां हैं तमाम को ही होता है, क्योंकि वो किचन सेट और उस तरीके से खाना पकाना, खाना रखना, बर्तन धोना, वो सारे काम वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलके बिल्कुल कर रही होती हैं। लेकिन एक और जो पार्ट आपसे छूट गया ना अक्सा, वो घर भर की लाडली होती है। वो जो भी कर ले वो बिल्कुल ठीक होता है, घर में जो बेटे होते हैं ना वो बेचारे पिस जाते हैं। बचपन इस लिहाज से भी बड़ा जबरदस्त था। क्यों लिसनर्स, अगर आपका भी बचपन अक्सा और मेरी तरह बहुत ही वंडरफुल रहा है तो कॉमेंट कीजिए, और कॉमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि आपकी ऐसी कौन सी शरारत है जो अभी भी आपको याद आती है, और वो भी अपने बचपन की, और आप सोचते हैं उफ मैं ऐसा भी था या मैं ऐसी भी थी। बिल्कुल अच्छा। और कभी आपने ऐसा किया अच्छा कि आप स्कूल नहीं जाने का दिल कर रहा है तो एप्लीकेशन लिख के अपने दोस्त को दे दिए है, बारिश हो रही है तो हमने स्कूल नहीं जाना? तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने, क्योंकि मुझे स्कूल पढ़ने का, जिस तरीके से मुझे घर के काम करने का बहुत शौक था, इसी तरीके से मुझे स्कूल पढ़ने का भी बहुत शौक था। क्योंकि मेरे जो भाई बहन है वो स्कूल जाते थे और मेरा एडमिशन लेट हुआ था, तो मैं उनको देख के ना मैं कहती थी ये लोग स्कूल जाते तो मैं क्यों नहीं जाती। मैं रोती थी कि मम्मा मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी स्कूल जाना है। लेकिन जब 8-9 क्लास में जब मैं आई तो फिर वो कहते ना चीज़ जब साथ साथ चलती रहती है और टाइम उसका गुजरता रहता है तो उसका शौक खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद मेरे दिल करता था कि यार अब तो छुट्टियां करनी चाहिए। तो उसमें हम लोग ये करते थे कि जब भी छुट्टी करनी होती थी तो एक दूसरे को एप्लीकेशन नहीं देते थे, बल्कि साथ सारे स्टूडेंट्स मिलके, सारे दोस्त मिलके प्लान बनाते थे। और जो है वो उस दिन हम छुट्टी, जैसे फ्राइडे का दिन जो है वो हमारा मखसूस होता था, हम कहते थे इस दिन पढ़ाई नहीं होती ना तो इस दिन एक काम करते, इस दिन छुट्टी करते, तो वो हाफ डे को हम छुट्टी करते थे। कितना जबरदस्त था ना। और पता है बचपन में ये चीज बड़ी एक कॉमन होती है और पेरेंट्स मान भी लेते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना
फिर हमारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं अभी आपकी पढ़ाई जरूरी है तो फिर जाना बहुत जरूरी है, अब जाओ। लेकिन उस टाइम तो बच्चे ने थोड़ा सा बस फीवर का बहाना किया तो भी छुट्टी मिल गई, बच्चे ने कहा आज टीचर ने नहीं आया तो भी छुट्टी मिल गई। ओ माय गॉड, ये बचपन किसी तरीके से वापस आ जाए ना तो वाकई हमारे सब लिसनर्स हमारे साथ साथ वो भी खुश हो जाएंगे, लेकिन अफसोस ये वापस नहीं आ सकता। अक्सर जब हम एल्बम देखते हैं अपने बचपन का तो क्या लवली सीन होता है, कितनी जबरदस्त हमने शरारतें की होती हैं और क्या हमारे पॉज होते हैं, कितने जबरदस्त पोजेस में हम तस्वीरें बनाते हैं। अक्सर आपके पास आपका एल्बम है बचपन का? मेरा तो तकरीबन 3-4 एल्बम में बचपन समोया हुआ है, बल्कि छुपाया हुआ है। अरे क्या बात है, बहुत जबरदस्त आपने अपनी बात बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास 3-4 एल्बम्स हैं। मेरे पास एक एल्बम है और उसके अंदर मेरी पिक्चर्स हैं, और वैसे मुझे पिक्चर्स इतनी पसंद नहीं है क्योंकि पिक्चर्स मुझे शुरू से नहीं, मुझे वीडियोस वगैरह ज़्यादा पसंद है। तो ये है कि पिक्चर में मेरी एक ही पिक्चर मैं अपनी देखती हूँ, मैं से बहुत मैं ना मुझे सब मत बचपन में रोतू कहते थे क्योंकि मैं रोती बहुत थी। तो अभी भी जब भी वो पिक्चर निकाल के वो पिक्चर मैं किसी को दिखाती नहीं, जब वो देखते हैं ना तो सब कहते हैं रोतू आ गई रोतू आ गई। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और बाकी मेरी शरारतों की पिक्चर है, कभी किससे क्या ले लिया तो कभी किसी को क्या दे दे, इसके अलावा बर्थडे सेलिब्रेशन और ये सारी इन सब चीज़ों की पिक्चर्स हैं, तो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। नहीं अक्सर बर्थडे सेलिब्रेशन ना वाकई बचपन में क्या जबरदस्त, दोस्तों को बुलाना और फिर केक भी अपनी मर्जी का और जबरदस्ती डिशेस बनाना और पूरा टेबल डेकोरेशन और पूरा रूम डेकोरेट हुआ करता था बचपन में, तो क्या जबरदस्त जमाना था वो। कि जब वाकई मैंने अभी शुरू में कहा ना, ना कोई जरूरत थी और ना कोई जरूरी था, लेकिन ये आगे आगे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं हमारी जरूरियात भी बढ़ती जा रही हैं और जरूरी लोग भी, और जिनके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। और अगर आजकल का जमाना देखें ना अच्छा, तो जमाना बहुत आगे निकल गया है। हमारा बचपन आउटडोर गेमिंग में ज्यादा था और आजकल का जो बचपन है इंडोर गेमिंग में ज्यादा है, मोबाइल लैपटॉप आईपैड्स इन चीजों में ज्यादा है, क्यों अक्सा? बिल्कुल सही कह रही है, हमारे टाइम में तो वो जो कीपैड वाले छोटे छोटे फोन नहीं होते, अभी भी आपने अक्सर देखे होंगे जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके पास होते हैं, तो वो फोन हम लोग हमारे पेरेंट्स के पास हुआ करते थे, और टच फोन जो है वो कभी किसी के पास नहीं होता था, या लैपटॉप वगैरह या आईपैड्स वगैरह कोई समझता ही नहीं था, बल्कि लोग कहते थे कि जो है ना ये किस तरीके से, मतलब जब तस्वीरों में इन चीजों को देखे थे जैसे बाहर के कंट्रीज में लोगों ने देख लिया, कोई भी टीवी पे देख लिया कि भाई इस तरह की चीज जो है ना वो आई है टेक्नोलॉजी में, ये चीज आने वाली है या आएगी, तो वो इस तरह लोग देखते थे लेकिन बड़े हैरान होते थे कि यार इन चीजों को कैसे यूज करेंगे। और जब मेरे पास भी टच फोन आने लगा तो मैं भी यही सोची थी, मैं कहती मैं तो कभी टच फोन लूंगी नहीं, क्योंकि मैं भी जब फोन यूज करने लगी तो मुझे कीपैड वाले पे इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी कि उसमें अपने जो भी काम होता था काम करती थी और बस उसके बाद जो है वो रख देती थी। और इसके अलावा जब हमारी पढ़ाई होती थी तो हमारी पढ़ाई किताबों वाली होती थी और हम किताबों के आगे बैठे होते थे, लग रहा होता था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है ना खाना खाना है तो हम पेरेंट्स के साथ बैठते थे, फैमिली के साथ बैठते थे और खाना खाते थे। आजकल तो खाना खाते वक्त भी हमें मोबाइल सूज रहा होता है, इसके अलावा पढ़ते वक्त भी हमें मोबाइल सूज रहा होता है, वो तो मोबाइल इतना नेसेसरी हो गया या लैपटॉप इतना नेसेसरी हो गया है कि इसके बगैर मैं तो कहती हूँ कोई चीज नामुमकिन है। अच्छा आप ये देखें ना कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है वो पहले व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इस तरह के सोशल मीडिया पे वो बड़ा एक्टिव हो जाता है, वो वायरल हो जाता है, तो जाहिर है फिर तो अब जब वो आते ही वायरल हो गया है तो फिर तो उसकी जरूरत बन ही गई ना। बिल्कुल, और आजकल के बच्चे जो है ना जब तक आप उन्हें मोबाइल नहीं देंगे, उनको जो है वो गेम्स मोबाइल में नहीं खिलाएंगे, कार्टून्स वगैरह उनको नहीं दिखाएंगे, तो वो बच्चे जो है ना वो आपसे जिद करेंगे, रोएंगे, और हमें वो गेम्स खेलने नहीं आते मोबाइल में लेकिन उनको खेलने आ जाते हैं, तो मैं देख के बहुत हैरान होती हूँ। अक्सर मैंने तभी कहा ना कि हमारा बचपन जो था वो आउटडोर गेमिंग्स में था, हमसे गेमिंग आउटडोर कुछ भी करवा लो फिजिकल गेमिंग में
वो सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे वो ज्यादातर इंडोर गेमिंग में, मोबाइल गेमिंग में वो इसमें मास्टर हैं। क्या जबरदस्त रिकॉर्ड बनाते हैं, और क्या जबरदस्त, सिर्फ रिकॉर्ड की तरफ ही नहीं, उनका बचपन तो टेक्नोलॉजी की तरफ भी आता है, टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं। और रही सही कसर जी, हमारे ये जो लॉकडाउन ने पूरी कर दी जी, ये भी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि इसके बगैर तो भाई कुछ हो नहीं सकता था। अगर लॉकडाउन होता और मोबाइल नहीं होता, या टेक्नोलॉजी का कोई भी ऐसा टूल हमारे पास नहीं होता, तो हमारे लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता जाहिर। और बच्चों को भी ये देना जरूरी था, क्योंकि उनके स्कूल्स में जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू उनको पढ़ाया जाता था, जूम के जरिए उनको पढ़ाया जाता था, तो इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा उनको असाइनमेंट्स दिए जाते थे, छोटी छोटी एक्टिविटीज दी जाती थी, तो उसके लिए भी जो है उनको गूगल करना पड़ता था। अब जाहिर है जब बच्चों को एक चीज दे दी है, तो किसी भी चीज को यूज करने के दो पहलू होते हैं, एक उसका नेगेटिव होता है, एक उसका पॉजिटिव होता है, तो ये हमें देखना पड़ता है कि हम पॉजिटिव पे जाएं या नेगेटिव पे जाएं। क्या कहती हैं? बिल्कुल, तब तो हमारे पेरेंट्स हम पे हर किस्म की निगरानी रखा करते थे ना, कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, किसके घर जा रहा है, किससे मिल रहा है, कैसे दोस्त बन रहे हैं। लेकिन जैसे ये मोबाइल वर्ल्ड आ गया है ना, तो अब बच्चा मतलब एप्लीकेशंस में जहाँ भी घूमे, पेरेंट्स को इतना नहीं पता होता है। Exactly, पेरेंट्स को बस इतना ही पता होता है कि उन्होंने मोबाइल दे दिया है, बच्चा चुप हो गया है, बच्चा अपना काम कर रहा है। लेकिन इसके जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ना, वहाँ इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिन्होंने हमारे बचपन को जहाँ बहुत संवारा है, वहाँ बहुत बिगाड़ भी दिया है। अब जस्ट लाइक पबजी, उस पर बच्चे कितनी देर तक मसरूफ रहते हैं, पर सीखते क्या है, सिर्फ लड़ना। जिस तरीके से किसी भी चीज के नुकसानात होते हैं, उसी तरीके से उसके फायदे होते हैं। तो जैसे कि हमने बताया आप लोगों को कि हर चीज के दो पहलू हैं, मनफी और मजबत। तो हमने अभी भी अपने बचपन को, हम चाहें तो उसको सवार सकते हैं, बच्चों के बचपन को सवार सकते हैं। करना कुछ यूं है कि जाहिर है हमने चलना तो टेक्नोलॉजी के साथ है, इसके बगैर तो हमारी जिंदगी गुजरना नामुमकिन है। तो हमने करना कुछ यूं है कि बच्चों को बेशक हम मोबाइल दें, उनको लैपटॉप दें, क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है, इसके बगैर जो है वो नहीं पढ़ सकते। लेकिन हमने उनके ऊपर नज़र रखनी है, पेरेंट्स ने उनके ऊपर नज़र रखनी कि वो कब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आप बच्चों के दरमियान, आप वालदैन जो है वो उनसे एक दोस्ती का जो रिश्ता है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अगर उनसे दोस्ती कर लेंगे, तो वो तमाम बातें जो है वो आपको बताएंगे कि वो कब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन दोस्ती के साथ साथ आप उनको खुद भी रीचेक करते रहें कि वो कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे, आपको झूठ तो नहीं कह रहे। तो आप इस तरीके से उनके ऊपर शक भी नहीं करें, और उनसे बहुत ही प्यार से, आराम से सवालात करें, कि जिसका वो आपको बहुत अच्छे से जवाब दे सके। बिल्कुल सही कहा जी, पता ऐसा होता है। और ये सारी चीजें बच्चा सीखता है अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, दादी नानी की सुनाई हुई कहानियों से। अब ये देखे ना कि जो बच्चा घर में वो चीजें सीख रहा है ना, वही बाहर जाके वो इम्प्लीमेंट करता है, और जो बाहर से इम्प्लीमेंट करते हुए देखता है लोगों को, तो वो घर में आके वो अप्लाई करता है। ठीक है, तो हमें अपने घर का माहौल ही ऐसा रखना चाहिए कि हमारा जो बचपन है वो मोरल वैल्यूज में, एथिक्स में हाई नंबर लेकर आए, ताकि हमें बच्चे को जैसे जैसे वो बढ़ता जाए, उसकी अच्छी आदतें उसमें डेवलप हो, ना कि बुरी आदत। मतलब झूठ बोलना अगर देखा जाए तो बच्चा घर से सीखता है, क्योंकि हम अब सारे लोग परेशान होंगे कि बच्चा घर से कैसे सीखता है। अब अगर कोई फर्ज करें कि अगर हमारे डोरबेल बजती है, घर में पेरेंट्स हैं, और बच्चा जी कह दे कि पापा अंकल आए हैं, तो पापा अंदर से कह दें कि बेटा, उनको कह दें मैं घर में नहीं हूँ। तो बच्चे ने सीख लिया ना घर से झूठ बोलना। अगर हम बच्चे को घर में ही मोरल वैल्यूज इतनी अच्छी सिखाएंगे, तो वो एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा मुस्लिम बनेगा। हमें इस चीज की शुरुआत घर से ही करनी है। आप क्या कहती हैं इसके बारे में? बिल्कुल, आपने जो लास्ट बात की कि झूठ घर से ही बच्चा सीखता है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अमूमन यही होता है कि जब भी घर में कोई आता है और किसी को नहीं मिलना होता घर में, तो वही कहता है कि जी उनको कहो कि वो घर पर नहीं हो। बच्चा वही कहता है, फिर बच्चा जो है वो अपने स्कूल में भी यही कहता है कि भाई उसने होमवर्क नहीं किया, लाइट चली गई थी, और जो है वो कॉपी लाना भूल गया,
या वो काम करना भूल गया, या वो घर में भी अपने पेरेंट्स को अगर कहते हैं ना कि बेटा डायरी दिखाओ, टीचर ने बुलाया है, जब उनको पता था कि भाई हमारी मीटिंग हो रही है उसमें डायरी में नोट लिखा होगा, तो वो क्या करते हैं, अपनी डायरी मम्मा से छुपा लेते हैं या वो नोट दिखाते ही नहीं कि जब पेरेंट्स की मीटिंग है टीचर्स के साथ। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें ये होती रहती हैं, तो हम बड़ों को ही इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि जब आपका बच्चा इस दुनिया में आया है, उसकी जब ग्रोथ घर से ही स्टार्ट हो रही है, सारी चीज़ें उसकी तरबियत जो है वो बेहतर घर में ही हो सकती है। तो ऐसा होता है ना कि हमारे जब बच्चे 3 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, तो उनको जो है वो स्कूल में डाल दिया जाता है या प्ले गेम्स के लिए उनको बाहर भेज दिया जाता है। तो 7 साल की उम्र तक अगर आप लोग कोशिश करें कि आपके बच्चे जो है ना स्कूल ना जाए, उनको जितना आप लोग घर में सिखा सकते हैं तो घर में ही सिखाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है कि वो उनको ये तो नहीं सिखाते ना कि आपने अगर घर में कोई आए तो उनको सलाम करें, ठीक है, इसके अलावा अगर खाना आपने खाना है तो पूरा चबा चबा के खाना है, ये चीजें तो बच्चा घर से ही सीख रहा होता है। बिल्कुल अक्सा, ये मोरल वैल्यूज जो है ना, ये पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं। जबकि हमारे पेरेंट्स आजकल के अगर मीडिया को देखा जाए तो वो क्या करते हैं कि 3 साल का बच्चा होता है और प्ले ग्रुप में जी चलो जी, माँ की जिम्मेदारी पूरी हुई, अब बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है ये बच्चे के दिमाग को पता और टीचर्स को पता जो सिखा रही हैं। लेकिन हमें अपने बचपन की हिफाजत खुद करनी है, मोरल वैल्यूज बच्चों को खुद सिखानी है, एथिक्स बच्चों को खुद सिखाने हैं, और ये सब कुछ करेंगे क्योंकि हमें अपने बचपन को संभालना है। जी, तो ये बचपन का टॉपिक तो चलता रहेगा और ये एक शो में तो कवर नहीं हो सकता, और हमारे शो का टाइम भी खत्म हुआ चाहता है। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बातें करके, और बचपन का जो टॉपिक है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इस टॉपिक को खत्म करूं यहाँ से जाऊं, लेकिन अगर आप लोगों ने भी कोई बचपन में शरारत की होगी और आप लोग का बचपन बहुत मजे का गुजरा होगा, तो अपनी कोई एक शरारत हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जो पूरा हमारा ये जो शो हुआ है, इसको सुनने के बाद आपका क्या व्यू है वो जरूर बताइएगा। आपने इस शो से क्या क्या चीजें सीखी या किन किन चीजों से आपने बहुत इंजॉय किया, तो ये तमाम चीजें आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक और चीज इम्पॉर्टेंट, जो पजल्स के आंसर्स हैं वो बताना ना भूलिएगा, वरना तो फायजा नाराज हो जाएगी। क्यों फायजा? बिल्कुल ऐसा ही है, पजल सेगमेंट के आंसर भी मुझे आप लोगों से इसी प्रोग्राम के कमेंट सेक्शन में चाहिए, जो कि मैं शामिल करूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में और वहीं पे विनर अनाउंस करूंगी। जी जनाब, बचपन वाकई टॉपिक ऐसा है कि एक प्रोग्राम तो उसके लिए बहुत थोड़ा है। मैंने कहा था ना, ये ऐसी चीज है एक बार चली जाए वापस नहीं आती, फिर वापस या तो हमारी यादों में होती है या आंखों में या सोचों में और या फोटो एल्बम में। तो जनाब, अगर आपकी भी है ऐसी कोई शरारत तो शेयर कीजिएगा उसे हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं करने ऐसी बातें जो हमारे दिलों से निकली हैं और आपके दिल को टच जरूर करेंगी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम आएंगे, दोबारा मिलेंगे हम दोनों आरजेस और इसी प्रोग्राम के साथ। अगर की हमारी सांसों ने वफा तो आपसे जरूर मिलेंगे यूट्यूब पर। तब तक के लिए पी अमानिल्ला। जी तो लिस्टनर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और जाते जाते एक जरूरी बात के दिल किसी का मत दुखाइएगा, क्योंकि दिल में रब रहता है। इसी के साथ मैं भी चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले किसी शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पी अमानिल्ला।